आज से नहीं, सदियों से हमारे गांव की यही परंपरा रही है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, ऊंच नीच, सभी के लिए हमारे गांव का कानून एक है। फिर चाहे वो मजदूर की औलाद हो या जमींदार का बेटा, किसी के लिए भी हम अपने गांव की संस्कृति को नहीं बदलेंगे। राधे श्याम का बेटा शहर से आया है तो क्या? अगर किसी ने भी गांव के कानून को तोड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम। कुछ ढूंढ रहे थे तुम? हाँ, वो क्या ढूंढ रहे थे? नहीं, वो यू नॉट वर्जिन? कॉफी पियोगे? कॉफी नहीं, चाय होगी। मैं बना लेता हूँ। तुम्हें पता नहीं चीजें कहाँ रखी होंगी। तुमने बताया नहीं? तुम हो? उसे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पंच पुरुषों को मेरे ही के खून देखने में इंटरेस्ट है, और तुम चाहे जो मन चाहे करो, कहीं भी जाके अपनी मरवाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अजीब सी प्रथा है तुम पुरुषों की बनाई हुई? एक सुपरस्टार अपनी बायोपिक में खुलेआम बोलता है कि वो 350 लड़की के साथ सोया है, और उस पर पब्लिक सीटियां बजाती है, तालियां मारती है। और यही काम अगर एक लड़की करे तो क्या नाम देगा उसे तुम्हारा समाज? छिना वाह। मतलब अगर एक लड़का 4 लड़कियों के साथ डेट करे तो वो स्लट है, और अगर एक लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठ जाए तो वो स्लट है। वाह। तुम्हें पता है, हम न अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते। इस समाज को ना उससे भी दिक्कत है। स्कूल हो या कॉलेज, प्रोफेसर ना यहाँ वहाँ टच करते और कहते घर पे बोल देना कि एक्स्ट्रा क्लास थी। ऑफिस में ना जब हमें प्रमोशन चाहिए हो तो हमें पहले अपने सीनियर्स को खुश करना पड़ता है, उसके बाद अपने बॉस की आग बुझानी पड़ती है, तभी जाके ना हमें कोई एक लेवल, कोई अचीवमेंट हासिल होती है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में ना डॉक्टर नर्सेस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भी तरह तरह के। मतलब हर जगह सारा समर्पण कि हम लड़कियां ही करें, और तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ यही बोलते हो कि क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले ना छोटी छोटी बच्चों की अंडरवेयर उतार के ये चेक किया गया कि वो पीरियड्स में है या नहीं, वो भी एक विद्या मंदिर में। यार ये कैसा समाज है? खिन आती है मुझे से समाज से। एक फीमेल डॉक्टर जो लोगों का इलाज करती है, बदकिस्मती से एक दिन लेट क्या हो गई और उसकी स्कूटी का पेट्रोल क्या खत्म हो गया। हेल्प मांगने के लिए ना वो थोड़ा सा पेट्रोल मांगने गई थी, बदले में पता उसके साथ क्या किया गया? उसका रेप किया गया और उसके ऊपर पेट्रोल डाल के ना आग लगा दी।
चाहे लड़की ऑफिस में काम करती हो या हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ 18 घंटे काम करती है, उसके बाद भी उससे ये कहा जाता है कि तुम घर पे करती ही क्या हो। मतलब वो बच्चों को संभाले, सास को संभाले, ससुर को संभाले, पति को देखे, घर देखे, गृहस्थी देखे। इतना ही नहीं, जब वो थक हार के चूर हो जाती है तब वो अपने पति की थकान भी उतारती है। तुम्हारा लेवल ना तो इतना गिरा हुआ है कि तुम हम लड़कियां तो छोड़ो, तुम ना बेजुबान जानवर को भी नहीं छोड़ते यार। खिन नहीं आती है तुम्हें? कुछ दिन पहले ना लड़कों ने मिलके एक बेजुबान कुत्ते का गैंग रेप कर दिया। इतना गिरा हुआ स्टैंडर्ड है तुम्हारा यार। तुम्हें घिन नहीं आ रही ये सब सुन के? नजरें मिलाओ मुझसे, इधर उधर क्या देख रहे हो? जवाब दो ना, अब क्यों नहीं बोल रहे? कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे रिस्ट्रिक्शन सब कुछ हमारे लिए क्यों, तुम्हारे लिए क्यों कुछ नहीं होता? क्या फर्क पड़ता है? ब्लडी हेल। I'm so sorry. मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस समाज से प्रॉब्लम है, इनकी सोच से दिक्कत है। जो मेरी वर्जिनिटी पे क्वेश्चंस उठा रहे हैं मुझे इससे दिक्कत है, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी सिंपलिसिटी देख के ही मैंने तुमसे शादी की और अपने आगे का जीवन तुम्हारे साथ बिताने का फैसला किया। सो प्लीज डोंट माइंड, प्लीज। चाय लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, कॉटन कहाँ रखी है? कॉटन ड्रेसिंग में ही है, मैं दे दूँ? नहीं, मैं खुद ले लूँगी। और हाँ, कल सुबह जब मार्केट जाओगे ना तो मेरी फेवरेट नेल पेंट जरूर ले आना। कौन सी? ये वाली। ठीक है। एक बार फिर चैंपियन, कुशल वर्मा यहाँ पर गोल्ड जीतते हुए आज अपने प्रतिद्वंदी का मुंह बंद करते हुए आज सारे रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कुशल वर्मा को मिला है गोल्ड मेडल। नाउ कुशल वर्मा हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स।
थैंक यू।